Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor in Botany, Government Bangalore College, Didwana. आज हम BSc First Year में Second Paper पहले start करेंगे, जो कि काफ़ी lengthy paper है. तो सबसे पहले इसको हम cover करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो First Paper है उसमें काफ़ी कुछ आप Zoology में भी पढ़ोगे, Virus, Bacteria, ये सब चीज़ें आपने काफ़ी कुछ पढ़ी भी हुई हैं. लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो फिर हम धीरे धीरे उसमें पढ़ेंगे. अभी हम आपका जो सेकंड पेपर है, एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट, इसको शुरू कर रहा हूँ मैं. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एल्गी या शैवाल. तो आज हम बेसिक जनरल बॉटनी के साथ जो पहला लेक्चर है वो आपका फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे. देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी हम जनरल जानकारी बॉटनी या वनस्पति शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, जहाँ तक उम्मीद है आप सबको पता होगा, लेकिन इसको याद रखना है आपको. बॉटेन ये ग्रीक वर्ड है, जिसका सामान्य भाषा में जो मतलब है दैट इज़ ग्रेजिंग या चरना. इसके आधार पर ये बॉटनी नाम पड़ा है. इसकी कुछ मुख्य शाखाएं आपको पता होनी चाहिए, जो आपके सामान्य बॉटनी की स्टडी में यूज़ होंगी. सबसे पहली जो मुख्य ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार की. किसी भी पौधे की संरचना को जानना इस मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है. इसको फिर आगे दो सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य संरचना और एनाटॉमी आंतरिक संरचना. एनाटॉमी या सेक्शन काट के हम तभी किसी प्लांट की संरचना को, आंतरिक संरचना को जान सकते हैं. तो पहली आपकी जो ब्रांच हो गई बॉटनी की, शाखा हो गई, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि बॉटनी क्या है. स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी, यानी कि वनस्पति जगत का जो अध्ययन है वो बॉटनी या वनस्पति शास्त्र कहलाता है. ठीक है, इसके बाद दूसरी ब्रांच हमने लिखी है यहाँ हिस्टोलॉजी, ऊतकी. हिस्टोलॉजी मीन्स है जो ऊतक होते हैं उनका अध्ययन करना प्लांट के अंदर हिस्टोलॉजी कहलाता है, चाहे एनिमल्स हो. उसमें भी ये ब्रांच ऐसी इन्हीं नामों से जानी जाती है. फिर तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज़ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, यानी कि किसी भी पौधे को पहचानना और वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार उसको सही जगह पर प्लेस करना, उसका सही आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी सही पहचान करना, ये सब हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के अंदर पढ़ते हैं. इसके बाद दूसरी ब्रांच है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी. पौधों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है वो इकोलॉजी के अंदर, पौधे हों चाहे जानवर हों, सभी जीवधारियों का. इकोलॉजी को अगर हम जनरल पढ़ेंगे तो जीवधारियों का उनके जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है, आपसी संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, वो इकोलॉजी के अंदर या परिस्थिति के अंदर अध्ययन किया जाता है. इसके बाद फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान. प्लांट्स या एनिमल्स किसी के भी, या जीवधारियों, हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, उनके अंदर जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, चाहे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेनिसेंस, कोई भी प्रकार की जो जीवधारी या उसकी जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उनका अध्ययन फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इसके अंदर हम पीढ़ियों के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप हैं और क्या इनके बीच में संबंध होते हैं, क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होती हैं,
उनके बाद की जो जीनोटाइप्स निकलते हैं, तो ये सब अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं, जो लीनियस ने जिसके जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, आपने जेनेटिक के नियम पढ़े होंगे, लीनियस के तीनों। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण की फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण का विकास होता है एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में या अन्य पौधों में, वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आप सब जानते हैं कि पौधों से हमको बहुत लाभ है, इन लाभों का जानना कि इसके किस भाग से क्या लाभकारी चीज़ हमको मिल सकती है, कहाँ उसका उपयोग किया जा सकता है, ये सब आर्थिक वनस्पति विज्ञान में यूज़ किया जाता है, पढ़ा जाता है। फाइकोलॉजी, जो हम एल्गी अब शुरू करेंगे, इसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो स्टडी ऑफ एल्गी जो है या शैवाल, वो फाइकोलॉजी कहलाती है या एल्गोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान, जो हम पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक क्या वेजिटेशन रहा, क्या चेंजेस हुए, कहाँ पौधे पाए गए, कहाँ हो गए, ये पूरी जानकारी, कौन से टाइम में पौधे कहाँ पाए जाते थे, किस अवस्था में पाए जाते थे, कौन से पौधे ज़्यादा पाए जाते थे, ये सारा अध्ययन हम पूरा वनस्पति विज्ञान के अंदर करते हैं। इसके बाद ब्रायोलॉजी, जो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन है वो ब्रायोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है, इत्यादि, ETC मीन्स इत्यादि आदि बहुत ब्रांचेज हैं। अगर आप डीप में जाएंगे तो एक पूरा का पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा, इसलिए हम मेन हमने ब्रांचेज जो हमको काम आने वाली हैं कहीं ना कहीं, वो हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करी है आपसे। मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पैलियोबॉटनी, ब्रायोलॉजी एंड टेरिडोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, आगे चलें। पौधे या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो बेसिक टाइप में, जनरल आप देखें तो इनको दो बेसिक टाइप में बांटा गया है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इसकी हिंदी भी यही है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो इनका आपको जनरल बिल्कुल पता होना चाहिए, एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चंस में BSc में ये अक्सर पूछा जाता है। प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर वाइवा में ये चीज़ पूछने की कोशिश करता है कि आप बेसिक जानते हो या नहीं। तो यहाँ मैंने एक टेबल आपको शो करी है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इन दोनों में, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर होते हैं, वो आपको यहाँ दिखाई जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो बेसिक अंतर है, अगर आपसे एक जनरल कोई खास लक्षण पूछता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अनुपस्थित होता है। स्पष्ट केंद्रक प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे बेसिक अंतर, कोई एक अंतर अगर आपसे पूछता है कि आप कोई एक अंतर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बताएं, तो आपका बेसिक आंसर यही होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में केवल एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके बाद शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आकार, तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आपको लीनियर क्रोमोसोम मिलेगा, रेखीय अवस्था में मिलेगा। सेल का साइज देखें, कोशिका का आकार, इसके बाद सेल साइज यानी कि कोशिका का आकार, तो प्रोकैरियोट्स में लगभग 1 से 10 मिली माइक्रोन होता है, जबकि यूकैरियोट्स की कोशिका का आकार 10 से 100 मिली माइक्रोन आपको मिलेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं, ये चीज़ याद रखने वाली है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट, सामान्यता क्या है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है वो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है किसी न किसी फॉर्म में। गॉल्जी एपरेटस ये भी अनुपस्थित है किन में, प्रोकैरियोट्स में, जबकि ये प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के अंदर। सेल वॉल प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में आप जानते हैं कि प्लांट्स और फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल के चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स सामान्यतः सेल की टाइप बताएं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होती है, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स ये प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं, जबकि उपस्थित होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। ऐसे ही राइबोसोम्स आपने पढ़े हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल 70S होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और बड़ा 80S होता है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसी प्रकार से नीचे से नंबर दो देखें आप, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें द्विखंडन होता है, बाइनरी फिशन इज द्विखंडन, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री, माइटोसिस समसूत्री विभाजन है एंड मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। एग्जाम्पल हम देखें प्रोकैरियोट्स के, तो क्या है, बैक्टीरिया, मेनली जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, जबकि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो अब आपको दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर होता है। तो मुख्यतः अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटस और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये चारों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एक बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लांट्स के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इस तरीके से आपको एक बेसिक नॉलेज बॉटनी की हो गई कि वनस्पति विज्ञान में क्या चीज़ें हैं बेसिक रूप से, और हमको क्या आगे पढ़ना है। तो हम पहला पेपर छोड़कर दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, दूसरे पेपर में हम पहली यूनिट के अंदर हमने जनरल एल्गी के बारे में पढ़ना है, तो उसके अंदर जो जनरल टॉपिक हैं वो हमको किसी भी किताब का जो जनरल वाला हिस्सा होता है, शुरू का हिस्ट्री है और जो जनरल उसके बारे में सामान्य जानकारी है, वो हमको पेपर पढ़ने से पहले एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक से अध्ययन कर रहे हैं तो अच्छा अध्ययन करने के लिए आपको बुक्स लेनी चाहिए, और बुक्स में जो पहला शुरू का थोड़ा बोरिंग जरूर लगता है कि भाई अलग अलग सी चीज़ें, नई सी बातें, क्या बता रहा है ये, क्या कहानी सी है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी मिलते हैं और उससे हमको आगे क्या पढ़ना है इसकी बेसिक जानकारी हो जाती है, और हमारे देश में क्या क्या काम इसके ऊपर हुआ है ये भी हमको इस टॉपिक से पता लग जाता है। ये एक डायग्राम रह गया था जिसको मैं आपको फिर इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है। पहली फिगर जो है, दैट इज़ जो आपकी फर्स्ट फिगर है, ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल है। आप ये देखिए बीच में जो ये ब्लू पड़ा हुआ है, दिस इज इसका न्यूक्लियर मटीरियल, यानी कि जो डीएनए हमने वहाँ सर्कुलर देखा था वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्पष्ट न्यूक्लियस बना हुआ है।
स्पष्ट केंद्रक और न्यूक्लियोसोम, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये दो संरचनाएं आपको याद रखनी है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू। बाकी का जो आगे स्टार्ट करेंगे हम, वो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।